अब BA, BCom, DSE और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। चर्चित रईस खान लगातार अब जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके जनसंपर्क में लोगों का हुजूम भी उमड़ता दिख रहा है। रईस खान ने साफ तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की बातें कर चुके हैं। ये तो साफ है कि MLC के चुनाव मैदान में रईस खान बाकी प्रत्याशियों को मजबूती से टक्कर देंगे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वे पार्टी से चुनावी मैदान में आएंगे या निर्दलीय ही। हालांकि कई मौके पर उन्होंने ये बयान भी दिया है कि पार्टी या निर्दलीय जैसे भी हो, वो इस बार मजबूती से MLC चुनाव मैदान में लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस से भी बातचीत में रईस खान ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बिहार न्यूज एक्सप्रेस से बातचीत में रईस खान ने क्या कुछ कहा। चुनाव तो लड़ेंगे, टिकट मिले अथवा ना मिले, चुनाव निर्दलीय लड़ें या पार्टी से लड़ें, लड़ेंगे जरूर। MLC चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ज्वाइन करें चाहे पार्टी से टिकट मिले अथवा ना मिले, MLC चुनाव में निर्दलीय भी लड़ूंगा। तो इस बार मन बना लिए पूरी तरह से निर्दलीय चुनाव मैदान आने का? जी। क्या लगता है किस तरह से चुनावी रणनीति है, वो किस तरह से बनाई जा रही है? चुनाव की रणनीति मेरा विकास पर रहेगा। सिवान में विकास के मामले में सिवान बहुत पिछड़ा हुआ है। ना कोई ढंग का यहाँ पे कॉलेज है, ना ढंग का कोई स्टेडियम है, ना ढंग का कोई रोड भी है, और बिजली उजली का भी जो समस्या तार हर जगह अपना देख ही रहे हैं, सिवान का ही हाल है। तो उसमें मेरा फुल फोकस सिवान के विकास पर रहेगी। पूरी मजबूती के साथ रईस खान चुनावी मैदान में उतर रहे? जी, पूरी ताकत के साथ मैं चुनावी मैदान में रहूँगा। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो क्या लगता है कि सिवान में विकास की जो रफ्तार है वो कम हो गई है? जी, बहुत कम है सिवान में विकास की। विकास वही कह रहा है, आप देखिए हर जगह रोड टूटा हुआ है, शहर गली का देखिए स्थिति उसी तरह है, गांव देहात में का भी हाल वही है। MLC चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो अभी निवर्तमान MLC हैं, अर्चना पांडे और भी बहुत सारे जो नेता हैं, उन लोगों का जो चुनावी रणनीति है फोकस हो गया एक दूसरे पर जातिवाद कमेंट करना, तो क्या रईस खान भी आएंगे तो इस तरह के जातिवाद कमेंट? नहीं नहीं, राजनीति जातिवाद से नहीं चलती है, जमात से चलती है। राजनीति में सब वर्ग की सहयोग से राजनीति होती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चला जाता है, वो जाति व्यक्तिगत बेसिस पर काम नहीं होती है। तो जो एक दूसरे पर कमेंटबाजी हो रही है अभी वर्तमान में सिवान जिला में जातिवाद का कमेंट हो रहा है, तो कितना सही मानते हैं उसको? ये अच्छी बात नहीं है, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो किसी पर टिप्पणी करने से बचे, सबका अपना अपना व्यक्तिगत अपना मानसिकता होती है, कौन क्या बोलता है उसे जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए, आपस में नहीं कुछ टिप्पणी किसी के खिलाफ चाहे टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। लगातार जो जनसंपर्क आपका हो रहा है, देखा जा रहा है लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये सिवान का समस्त जनता का प्यार है जो हमको दिल से मानते हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और हम 4-5 गाड़ी निकलते हैं सैकड़ों गाड़ी हो जाती है। ये जनता का मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ। सारे वर्ग सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार सिवान की जनता आपको लेकर मूड बना रही है? जी, मूड बना चुकी है, बना नहीं रही है, सिवान की जनता मूड बना चुकी है। क्या कहेंगे सिवान जिलावासियों से, क्या अपील करेंगे? सिवान जिलावासियों से यही अपील है कि हमको एक बार चांस दें, MLC के चुनाव की तैयारी में है और एक बार जीत जाने के बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा और विकास करूंगा।